नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर GSC गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट सरकारी प्रतिभूति बाजार के विषय में हम बताएंगे। इसके बताने से पहले हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जैसा मैंने अभी सेबी के BSC और NSE दोनों के विषय में डिटेल्स बताया, जो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक बॉक्स पर वहां उसके डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सरकारी प्रतिभूति के मार्केट बाजार क्या है। सबसे प्रथम आपको यह ध्यान देने की बातें हैं कि अब ये सबसे मूलभूत आवश्यकता ये है कि अभी तक तो आपने समझा कि कंपनी को ही पैसा चाहिए, नहीं, सरकार को भी अपनी मूलभूत डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। वो भी मार्केट से पैसा लेती है, निश्चित दर से उन्हें ब्याज पर पैसे उपलब्ध कराती है, आपको इंटरेस्ट जैसी बेनिफिट देती है, फ्री रिस्क, कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं होता, टोटल डेट्स होता है। मार्केट डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेनों का निर्माण हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाएं बन रही हैं, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में उनको सपोर्ट किया जा रहा है। आज भारत विकासशील राष्ट्र होते हुए अपनी डेवलपमेंट को मैक्सिमम आगे करना चाहता है, जैसा कि वो चाहता है कि GDP मेरा मैक्सिमम हो। आपका मेन कंपटीटर चाइना के प्रति आपकी ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आपके पास आए और उन कंपनियों को एक मार्केट का प्लेस, उन्हें फाइनेंस, उन्हें इंडस्ट्री, उन्हें सब्सिडी प्रदान करना, ये सब चीजें भारत सरकार के द्वारा उनको दी जाती, जिसको सरकार को अलग से पैसे की आवश्यकता पड़ती है। जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में इशू करता है। वो किन माध्यमों से पैसे को प्राप्त करता है, कुछ माध्यम हमारा, पहला आता है टी बिल, ट्रेजरी बिल इशू करती है, जीरो कूपन बॉन्ड इशू करती है। ये गवर्नमेंट आपको इनके माध्यम से टी बिल सिक्योरिटी के रूप में आपको पैसा देती है, बॉन्ड के रूप में आपको पैसा देती है, जिसके अंतर्गत वो निश्चित इंटरेस्ट रेट आपको बताती है और मैच्योरिटी का टाइम देती है। ये जो बॉन्ड्स वगैरह आप खरीदते हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। यह बॉन्ड खरीदने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपको मान्यता प्रदान करती है। इन बॉन्ड, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कौन कौन इशू कर सकता है, यह संस्थाएं आपको जाननी जरूरी है। यह इनको इशू करने के लिए सर्वप्रथम भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, अदर्स एंड्स आपको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड SEB, पब्लिक सेक्टर के कॉरपोरेशन अन्य आपको बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। अदर कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जो इस सेक्टर में आपको बॉन्ड इशू करने का राइट उनको दिया गया है, उनमें है नाबार्ड, LDB, लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, SIDC हाउसिंग बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकिंग चैप्टर में मेरा डिटेल्स मैंने उसके विषय में बताया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक पर मेरे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ज्वाइंट वेंचर में कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं सरकारी प्रतिभूति की विशेषताएं क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के करेक्टर क्या है। फर्स्ट, फ्री रिस्क मार्केट, किसी भी प्रकार का आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क नहीं रहता। जैसे शेयर में है, मार्केट बढ़ेगी तो डिविडेंड्स आपको ज्यादा मिलेंगे, मार्केट कम होगी तो लाभांश कम भी हो सकता है।
लेकिन इसमें यदि इंटरेस्ट रेट फिक्स है, मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है, इसके अंतर्गत फिक्स इंटरेस्ट रेट पर आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं और फिक्स डेट को आप पास मोस्ट लिक्विडिटी ये हमेशा तरल होती है या किसी भी प्रकार से फाइनेंस के रूप में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जीएससी सरकारी प्रतिभूतियों के एलिमेंट्स तत्व तो क्या है या इंस्ट्रूमेंट क्या है। सबसे फर्स्ट ये जो आपको बॉन्ड इश्यू करता है जीरो कूपन बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको बॉन्ड मिलती है वो फेस वैल्यू से कम, यानी बॉन्ड आपका 10,000 में आपको रिसीव्ड हुआ 9,000 में, देंगे 9,000, दिस इज वैल्यू ऑफ द 10,000, जीरो कूपन बॉन्ड डिस्काउंटेड ऑफ द वैल्यू की जाती है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ये 29 सितंबर 1995 को दिया गया। फ्लोटिंग बॉन्ड रेट मतलब रेट इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होगा, ये ट्रेजरी बिल में आवश्यकता पड़ने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है गवर्नमेंट के द्वारा और आवश्यकता पड़ने पर घटा भी सकता। टॉप स्टॉक का मतलब ये 29 जुलाई 1994 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट प्राइस पर इशू करते हैं। ये मार्केट प्राइस शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। पार्टली पेड ऑफ स्टॉक, आप स्टॉक के अमाउंट को ये किस्तों में इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। ये 15 नवंबर 1994 को हुआ। स्ट्रिप्स सेपरेट रजिस्टर्ड इंटरेस्ट, आपके लिए अलग से इंटरेस्ट रेट निर्धारण कर दी जाएगी जिस पर आप उस इंटरेस्ट रेट पर उसको प्राप्त कर सकते। भारत में नेक्स्ट हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ जीएसई। भारत में सरकारी प्रतिभूतियों का विकासात्मक पहलू क्या है। सबसे पहले आरबीआई ने मेड इन मिड टाइम पर 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मार्केट दिया, फर्स्ट एक दिया टी बिल ट्रेजरी बिल जो मिनिमम 90 डे मैक्सिमम 90 डे 100 डे 364 डे को आपको इश्यू होती है। नेक्स्ट है डिटरमाइन रेट एंड इंटरेस्ट जीएससी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत इंटरेस्ट रेट और मार्केट रेट दोनों में डिफाइन कर दिया जाता है कौन आपको प्राप्त होगा। डेवलपमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, इसके विषय में बताने के लिए मैंने आपको फाइनेंस मार्केट वित्तीय बाजार में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिटेल्स आपको दिया है जो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दी गई है फाइनेंस मार्केट में, वहां जाकर के दोनों मार्केट के विषय में आप देख सकते हैं। सपोर्ट टू म्यूचुअल फंड, ये आज की डेट में सबसे डेवलपिंग संस्था है, म्यूचुअल फंड को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के डिटेल्स हम आपको देंगे, हमने इसको आज बताई। गवर्नमेंट सरकारी प्रतिभूतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में आप जानकारी जरूर प्राप्त करें। यदि आपको मेरे इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें समझने में दिक्कत हो या आपको कोई भी हमें सुझाव देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं जिस पर हम जल्द ही आपको इसकी सूचना दी जाएगी। थैंक यू।